पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज मांझे के इस्तेमाल पर रोक के बावजूद हुई पतंगबाजी ने कई परिंदों से उनकी उड़ान का हक छीन लिया है। पशुपालन विभाग के साथ ही वन विभाग और शहर की कई स्वयंसेवी संस्थाओं, रक्षा, होप एंड बियॉन्ड, वर्ल्ड संगठन, नेचर केयर आदि में सुबह से ही घायल परिंदों का आना शुरू हो गया। मकर संक्रांति के दूसरे दिन रविवार को भी सुबह से ही घरों की छतों पर पतंगबाजी का शोर शुरू हो गया। साथ ही विभिन्न स्वयंसेवी संस्थानों के पास सुबह से ही घायल परिंदे भी आने लगे, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने अशोक विहार में बने शेल्टर होम में घायल परिंदों का इलाज करने के साथ ही उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी की है। यहां विशेषज्ञ चिकित्सक और उनकी टीम घायल परिंदों का रेस्क्यू कर उनका इलाज कर रही है, साथ ही उनके भोजन पानी की व्यवस्था भी की गई है। शेल्टर होम में आने वाले परिंदों में कबूतर, कमेडी के साथ मोर भी और बाज भी शामिल हैं। एक औल भी पतंग के मांझे से घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहां पिछले 3 दिनों में 150 से भी अधिक परिंदे घायल होकर पहुंचे हैं। वन विभाग ने इस बार मांझे से घायल होने वाले परिंदों की जान बचाने के लिए राजधानी जयपुर में तकरीबन 20 स्वयंसेवी संस्थाओं को चिकित्सा शिविर लगाने की स्वीकृति दी है। गत वर्ष इनकी संख्या मात्र 10 थी।